गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने देखा था स्पाइस सेक्टर में अगेन एक तेज़ी देखने को मिली थी। आज भी हमें लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की वजह से स्पाइसेस के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है, पर्टिकुलर जीरा एंड टर्मरिक। जीरा हमें लगता है ऊपर में करीबन 14,600 के लेवल को टेस्ट कर सकता है और टर्मरिक करीबन 6,000 के लेवल को टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि बाय का ट्रेड करना चाहिए। दोनों ही कमोडिटी में ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम ग्वार पैक की बात करें तो यहाँ पर कल हमने तेज़ी आते हुए देखी थी, जैसा हमको लग रहा था वैसे ही यहाँ पर एक ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम के अंदर बाय करके चलें। ग्वार सीड करीबन ऊपर में लेवल 6,700 को टेस्ट कर सकता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट जो है ग्वार गम में 6,300 का रहेगा। ग्वार सीड में ऊपर में टारगेट करीबन 4,250 का हो सकता है, सपोर्ट यहाँ पर 4,100 का रहेगा। चने के अंदर भी कल हमने तेज़ी आते हुए देखी थी, हमें लगता है चने के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। चने में ऊपर में लेवल करीबन 4,400 तक देखने को मिल सकता है, नीचे सपोर्ट करीबन 4,300 का रहेगा, यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह ली जा सकती है। अगर हम सोयाबीन और बाकी एडिबल ऑयल की बात करें तो वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी आते हुए देखी थी। हमें लगता है कि सोयाबीन रिफाइंड के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। सोयाबीन में एक्सपेक्टेड है करीबन 3,850 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और रिफाइंड के अंदर करीबन 8,880 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेशन है कि एग्रीकल्चर कमोडिटी में यहाँ पर तेज़ी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। एक्सेस बारिश होने की वजह से कहीं ना कहीं क्रॉप को नुकसान हो सकता है, जिससे भावों को सपोर्ट मिल सकता है। सो आई होप कि आपको इस कमेंट्री से बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।